घर बैठे ही नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो। नेटफ्लिक्स देखा, प्राइम देखा, बैठो अब तुम ये भी देखो। आओ आओ नुक्कड़ देखो, घर बैठे तुम नुक्कड़ देखो। फिर ये टोली आई है, संदेश अनोखा लाई है, एक ही चीज के पहलू अनेक लाई है। आओ आओ नुक्कड़ देखो, आओ आओ नुक्कड़ देखो, घर बैठे तुम नुक्कड़ देखो। कोरोना भागो, कोरोना भागो, कोरोना भागो। लॉकडाउन अरे मुझे गिरता हुआ देखकर भी आप समझे नहीं मैं कौन हूं। इकोनॉमी मेरे भी बड़े तेवर हुआ करते थे, पर इस कोरोना की वजह से मैंने भी मुंह की खाई है भाई साहब। अनेकों सेक्टर जैसे कि टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल सब बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इन्हीं के सहारे तो मैं टिकी भी थी, अब मैं क्या करूं। और हालात इतने खराब हैं कि कोरोना से ये कहने को दिल करता है जा चुका है चैन सारा, जांच की है हर खुशी, ना जाने तुम कब जाओगे। ए कोरोना तू कब जाएगा रे। आज की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन के चलते घर पहुंचने वालों की जद्दोजहद, यूपी दिल्ली बॉर्डर पर लाखों मजदूरों की उमड़ती भीड़। ये लोगों को क्या अक्ल नहीं है, जब पूरा शहर कोरोना से लड़ रहा है ये लोग भीड़ बढ़ाने के बहाने ढूंढ रहे हैं। माँ भूख लगी है। अरे मुन्ना चुप हो जाना, अभी बापू जाएगा और साथ खाना लेकर आएगा। झूठ मत बोल माँ, जब बापू के पास है ही नहीं काम तो कहाँ से लाएगा खाना। सब हमें ही क्यों भुला रहे, 70 साल से हम ही क्यों खर्च हो रहे। बाहर जाओ तो कोरोना, अंदर है भूख का होना। कोरोना तो है आज की बीमारी, भूखमरी है सदा बाहर महामारी। सरकार कहती है जान है तो जहान है, पर माँ जब है ही नहीं जहान तो कैसे बचेगी जान। मम्मी देखो ना, सब लोग कितनी सारी चीजें बना रहे अपने घरों में, जैसे डोसा, पनीर मखनी, पास्ता, डोरगोना कॉफी। हम सिर्फ रोज सादी रोटी सब्जी दाल चावल क्यों खाते रहते हैं। बेटा ऐसे टाइम पे जितना कम हो सके उतनी चीजें यूज करनी चाहिए, और अभी इतना सब बनाना पॉसिबल भी नहीं है ना हमारे लिए। पहले भी तो बनाते थे ये सब, अब क्या दिक्कत है। बेटा पहले की बात कुछ और थी और अभी की बात कुछ और है। अभी हमें कम साधनों में मैनेज करके चलना है ताकि हम चीजें वेस्ट भी ना करें और फ्यूचर के लिए भी चीजें एडजस्ट होके और मैनेज होके चल सके ना। कुछ के पास इतना है कि कद्र अब भी ना हो, तो कुछ लोगों को दो वक्त की रोटी तक नसीब ना हो। कुछ ने तो कम में ही अपना काम चलाना सीख लिया और कम साधनों में ही अपना संतोष उन्होंने ढूंढ लिया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अनजान शहर में फंसे बस सांसें ले रहे हैं, न कर रहे हैं शिकायत, न घर वालों को बता रहे हैं। राशन ढूंढने इधर उधर बेबस हम भटक रहे हैं, हर पल यूं मानो बस डर डर के जी रहे हैं। हर सुबह बस यही ख्याल आता है कि कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही दूसरे शहर में फंसे रहना पड़ेगा। और हर रात यही ख्याल आता है कि आज का तो गुजारा हो गया पर अब हम कल का क्या करेंगे। इन सब से गुजरते हैं जब हर दिन, तो बस एक ही दुआ करते हैं कि जिसकी हमें आस है वो दिन जल्दी आए और हम जैसे हजारों लोगों को वो सुकून देता जाए। ओ, इसकी 25 पेंटिंग्स पूरी हो गई। फिर ये क्या नए चैलेंजेस आ रहे हैं यार, ये तो पक्का प्रोफेशनल शेफ बन ही जाएगा। और मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। फिर ऑलरेडी इतनी टेंशन हो रखी है कि मैं कोरोना के टाइम पे मैं प्रोडक्टिव हो नहीं रही हूँ, क्वारंटीन के टाइम पे प्रोडक्टिव नहीं हो रही हूँ। ओ कोरोना में 24% स्पाइक, दादा दादी का ध्यान रखना पड़ेगा, घर में ऑलरेडी बंद बंद रखे। ऑलरेडी इतनी टेंशन हो रखी है कि मैं प्रोडक्टिव नहीं हो रही हूँ, ऊपर से फिर कोरोना जैसी चीजें की ठीक हो ही नहीं रही, लोग किसी की बात सुन नहीं रहे। मैं Am I safe enough? ऐसे में एक इंसान की एंजाइटी बढ़ेगी नहीं तो क्या होगा। घर में बंद रहने का भी ना ये चीज ठीक ही नहीं हो रही,
maybe I need to reach out someone to help. But if for now, let's just breathe. दिल की धड़कन का यू तेज हो जाना, घर पे रह रह कर कंफ्यूज हो जाना, बाहर देखो तो केओस मचा हुआ है, लॉकडाउन में ये दिमाग भी एंग्शियस हुआ है। गो करोना करोना गो, गो करोना करोना गो, प्लीज लीव कोरोना बोलो मोनिशा, दिस गो करोना करोना गो इज टू मिडिल क्लास। अरे हमारे जमाने की तो बात ही अलग हुआ करती थी माधवी, तब परिवार की सुबह रोज रामायण से होती थी और तब बच्चों के पास टाइम पास के लिए फोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, बल्कि वो घर के बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के उनके साथ समय बिताते थे, उनसे कुछ चीजें सीखते थे। लेकिन आजकल के बच्चे, अरे तब तो परिवार एक साथ बैठ कर रात को सांप सीढ़ी और लूडो जैसे गेम खेलता था। खैर आज लगता है मानो कई साल बाद हमारा जमाना वापस आ गया, आज सब एक साथ बैठ के खाना खाते हैं और एक दूसरे की मदद भी करते हैं और साथ ही साथ पूरा परिवार एक साथ अमूल्य पल बिताता है। लेकिन याद रखना, जहां घर परिवार फिर एक हुए, वहीं हिंसा के मामले अनेक हुए। अब हर दिन कहीं कोई जान फिर से रोती है। याद रखना, आज भी हर दिन देश के किसी कोने में घरेलू हिंसा होती है। पता है इस कुड़ी नू नचने दे चैलेंज के सबसे ज्यादा मजे कौन ले रहा है? कौन? प्रकृति। प्रकृति कौन? न्यू फ्रेंड? अरे प्रकृति, नेचर रे नेचर। इंसान पिंजरे में क्या बंद हुआ, पूरी दुनिया मानो आजाद सी हो गई है। अब ट्रैफिक की टेटे पेपे की जगह चिड़ियों के चहकने से सुबह की शुरुआत होती है। कमाल है ना कोरोना के टाइमिंग, अमेजॉन जंगल जल गए, ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर हो गया, भारत में एयर पोल्यूशन चरम पर था, तापमान बढ़ता जा रहा था, जानवर मरते जा रहे थे और फट से मानो नेचर ने रीसेट बटन दबा दिया हो, सब कुछ साफ कर दिया। छतों से हिमालय दिखने लगा, आसमान में तारे दिखने लगे, जो भी कहो है तो ये कुदरत का करिश्मा। मुंबई में फ्लेमिंगोज वापस आ गए, ब्राजील में टर्टल्स वापस आ गए, अरे यहाँ तक कि वेनिस में एक्वेटिक लाइफ तक वापस आ गई, न जाने इंसानों में अक्ल कब वापस आएगी। शायद ये मास्क मैंने आज ना पहना होता अगर देश और दुनिया की हालत स्वस्थ और सकुशल होती, लेकिन परिस्थितियां विपरीत है। आज हम सब उस संकट का सामना कर रहे हैं जिसकी ना तो हमें खबर थी और ना कोई उसके लिए तैयार था। हमारे में से कुछ लोगों के लिए जहाँ घर पे रहना मुश्किल हो जा रहा है, तो वहाँ सोचो उन जाबाजों का जज्बा जो पल पल हमारे लिए लड़ रहे हैं। डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिसमैन, सैनिटेशन वर्कर्स और वो हर वर्ग जो अभी भी घर से बाहर निकलता है ये जान करके कि बाहर खतरा है, सलाम है उन्हें हमारा। ये वो है जिन्हें अपने घर से दूर रहना गवारा है पर अपने कर्म से दूर रहना नहीं। ये अपनी परिवार की फिक्र बाद में करते हैं और पहले अपने देश की। इन्हें डर नहीं कि इन्हें कोरोना हो जाए, इन्हें डर ये है कि कहीं ये किसी को कोरोना होने से बचा ना पाए। अगली बार जब आप ईश्वर का शुक्रिया अदा करें तो याद रखें, शुक्रिया अदा करना उनका जो हर दिन हर पल हमारी सेवा में तैनात है। और सिर्फ शुक्रिया ही नहीं, लेकिन कोशिश करें कि आप उनके राहत का कारण बने न कि उनकी परेशानियों का। बीमार है जो जिस धर्म का है, हमसे कभी न ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। हम घर बैठे ही डरते रहे और वो तैनात होकर लड़ते रहे, अनेक रूप में वो हर समय सेवाएं अपनी देते रहे। जान बचाने को जहाँ हम कदम पीछे करते चले गए, ये जहान बचाने को हमारा 100 कदम बढ़ाते चले गए, 100 कदम बढ़ाते चले गए।